पंजाब विच बिजली संकट गहराउंदा जा रहा है। अजे तो ही पेंडू इलाकों विच 7 घंटे दे कट लगने शुरू हो गए हैं। उत्थी शहरां विच 2 तो 3 घंटे दे कट लगने शुरू हो चुके ने। इस नूं देखदे हुए सूबे दे बिजली मंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी दे नाल मुलाकात करके कोयला मंगया। अगर जल्द कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो पंजाब विच पिछले साल वांग ब्लैकआउट जिहे हालात पैदा हो सकते हैं। उत्थी पैडी सीजन विच पर्याप्त बिजली ना मिली तो मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार नूं किसानों का आक्रोश भी झेलना पै सकता है। दस दी कि पंजाब विच इस अप्रैल महीने विच पिछली वार दे मुकाबले 5 डिग्री तापमान ज्यादा है। इसकी वजह नाल एसी कूलर तो बिजली की डिमांड होर तेज हो गई है। अप्रैल विच ही पंजाब विच बिजली की मंग 7000 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसकी वजह नाल बिजली की मंग अते सप्लाई विच करीब 450 मेगावाट तक का अंतर आ चुका है। यह हालात उदो हैं जबकि गेहूं की फसल कट्टी जा रही है अते पैडी सीजन अजे आना बाकी है। उस वक्त तक बिजली की मंग 15000 मेगावाट तक पहुंचन की संभावना जताई जा रही है। इसे दे नाल पंजाब दे बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने दिल्ली विच केंद्रीय मंत्री तो मंग की है कि उन्होंने 10 जून तक रोजाना 20 रैक कोयला दिता जाए। उन्होंने पंजाब के लिए 50 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयले की मांग की है ताकि पैडी सीजन शुरू होने तो पहला उन्होंने कोयले का पर्याप्त स्टॉक बच सके। हालांकि केंद्र पहला ही सूबे नूं कह चुका है कि वह अपने पद्धर से कोयले का इंतजाम कर। इसके बाद वह बिजली मंत्री आर के सिंह नाल भी मिले हैं, जिथे उन्होंने जून तो अक्टूबर तक पंजाब के लिए कौमी ग्रिड तो रोजाना 1500 मेगावाट बिजली की मांग की है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।